Hello guys, welcome to my channel Self-Made Tutorial. Today we are going to talk about piscage. You know what is piscage? Piscage is super class, means phylum chordata, a part of phylum chordata. As you know very well that vertebrate मीन्स जो सब फाइलम होता है फाइलम कॉर्डेटा का जो सब फाइलम है वर्टिब्रेट उसके अंतर्गत कुछ क्लासेज आते हैं ओके जो जैसे सुपर क्लास हो जाएगा आपका पिसेज जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है और इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया तीन क्लास में प्लैकोडर्मी कॉन्ड्रिक्थिज और ऑस्टिक्थिज मीन्स प्लैकोडर्मी जो है पिसेज के अंतर्गत मैं पहले आप लोगों को बता दूं फिसेज के अंतर्गत जो होते हैं मछलियां आती हैं फिसेज ओके डिफरेंट टाइप ऑफ फिसेज सो प्लैकोडर्मी के अंतर्गत क्लास प्लैकोडर्मी के अंतर्गत विलुप्त हो गए प्राणियों सॉरी मछलियों का अध्ययन किया जाता है और कॉन्ड्रिक्थिज मीन्स क्लास कॉन्ड्रिक्थिज स्टडी अबाउट कॉन्ड्रिक्थिज मीन्स होता है उपास्थिल यानी उपस्थिल मछलियाँ जिसमें उपास्थि पाई जाती है जिन मछलियों में उनका अध्ययन किया जाता है और क्लास थर्ड जो होता है थर्ड वन इज ऑस्ट्रिक्थिज जिसमें बोन्स जिस मछलियों में बोन्स पाया जाता है उन मछलियों का अध्ययन ऑस्ट्रिक्थिज क्लास में किया जाता है ओके तो आप लोगों को जो पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्ड्रिक्थिज यानी कि इसके अंतर्गत जो आता है वो डॉगफिश मीन्स ये कॉमन नेम है यानी कि स्कॉलिडन सरक्वाह इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें उपास्थिल पाए जाते हैं सो आप लोग फ्रस्ट्रेट मत होइए मैं जो आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो है B.sc सेकेंड ईयर जूलॉजी ऑनर्स का क्वेश्चन है ओके नोट्स हैं तो पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉगफिश का वो जो है यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं मीन्स डिस्क्राइब द यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ स्कॉलिडन तो पहले हम लोग सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बारे में ऑलमोस्ट थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता है सो हम लोग देख लेते हैं द कॉन्ड्रिक्थिज ऑल्सो कॉल्ड इलास्मोब्रांच मीन्स उपास्थिल मछली या कॉन्ड्रिक्थिज को इलास्मोब्रैंकस भी कहते हैं ओके द कॉमन इंडियन डॉगफिश सार्क स्कॉलिडन सरक्वाह वर्कड आउट बाई E.M. थिलियम पैलम एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928 इन द सीरीज ऑफ इंडियन जूलॉजिकल मेमोरीज सॉरी मेमायर्स मीन्स सरक्वाह के बारे में जो है थिलियम पैलम जो है इन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन और वर्णन किया था मतलब इसके ऊपर वर्कआउट किया था और इसका जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है फर्स्ट टाइम 1928 में द सीरीज ऑफ इंडियन जूलॉजिकल मेमोयर्स में पब्लिश हुआ था ओके तो ये हिस्ट्री है थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं नहीं भी देखेंगे तो भी काम चलेगा लेकिन बट आप लोग अगर एग्जाम में लिखते हैं तो बेटर है नेक्स्ट सिस्टमैटिक पोजिशन ओके सो फाइलम कॉर्डाटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवीजन नैथोस्टोमाटा मीन्स जिसमें जो होता है प्रजेंट हो यानी कि विथ जॉ विदाउट जॉ जो होता है एग्नाथा में आता है और ये नैथोस्टोमाटा विथ जॉ यानी जबड़े पाए जाते हैं सुपर क्लास पिसेज हो गया क्लास हो गया कॉन्ड्रिक्थिज हो गया और सब क्लास जो हो गया सिलैकियाई हो गया बहुत हार्ड होते हैं मीनिंग ना इसका इसलिए मैंने आपके हेल्प के लिए हिंदी इसका लिख दिया है प्रोनंसिएशन गलत ना हो ओके ऑर्डर हो गया ऑर्डर जो हो गया स्क्यूलीफॉर्मिस एंड प्लूरोट्रीमाटा फैमिली हो गया आपका कारकैरिनिडी ओके जीनस हो जाएगा आपका स्कोलियोडॉन एंड स्पीसीज हो गया सरक्वाह ये जो है ना आप लोगों को बहुत ही
हेल्पफुल होगा जब आप कम्पिटेटिव एनी टाइप ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उस टाइम. ओके, जैसे हो गया BHU अगर आप देते हैं फॉर PET PG के लिए, तो आपको ये बहुत बेनिफिटफुल होगा. ओके, क्योंकि उसमें जो होता है ऑर्डर फैमिली देता है कि हाँ ये किस फैमिली से बिलोंग करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स स्वभाव एंड वासस्थान. ओके, स्कॉल्डिन इज अ मैरिन कार्निवोरस एंड प्रीडेसियस फीडिंग एंड क्रैब्स लॉबस्टर वर्म्स एंड फिशेज. इट्स कॉल्ड ब्लैक शार्क. मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट. इट इज विविवैरस मीन्स स्कॉल्डिन इज मैरिन मतलब समुद्री होते हैं. कर्णिवोरस यानी कि यानी परभक्षी यानी छोटी छोटी मछलियों को खा जाते हैं. और हर्बीवोरस जो होता है शाकाहारी होता है. ओके, और प्रीडेसियस परभक्षी होते हैं. और ये क्रैब्स लॉबस्टर वर्म्स स्मॉल लाइक छोटे छोटे जीव जंतु को खाते हैं. इट्स कॉल्ड ब्लैक शार्क इन तमिल लैंग्वेज. ओके, तमिल लैंग्वेज में इसे ब्लैक शार्क कहा जाता है. मेल एंड फीमेल जो होते हैं सेपरेट होते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मीन्स ये हो जाएगा आपका विविपैरस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि विविपैरस जो होते हैं इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है फीमेल्स के यूट्री में होता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड विविपैरस. एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है मीन्स इसमें यू नो वेरी वेल डायरेक्ट मीन्स इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाए जाते. ओके, सो अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे. यूरिनोजेनिटल सिस्टम मीन्स टूडेज मेन टॉपिक इज डिस्क्राइब द यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ स्कॉलिडन. सो द एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर सो क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर इन वर्टिब्रेट्स दैट दे आर स्टडी टूगेदर अंडर द नेम ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम. मीन्स वर्टिब्रेट के जो होते हैं एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स उत्सर्जन एंड जनन तंत्र जो होते हैं बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं. इसीलिए इन्हें एक साथ यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है यानी मूत्र जनन तंत्र. इन स्कॉलिडन द टू सेक्स आर सेपरेट मतलब स्कॉलिडन में जो होता है सेपरेट होते हैं. जैसे मैंने आप लोग पहले ही बताया कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, वैसे ही ये बताया यहाँ पे. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑकर्स एज इन मेल डॉगफिश मीन्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सचेंज मीन्स मेल डॉगफिश में जो है कॉफुलेशन के टाइम फिन्स जो होते हैं उनके श्रोणी पंख उनके जो होते हैं मेडियल पार्ट जो होते हैं क्लैस्पर में स्थानांतरित हो जाते हैं फॉर ट्रांसफर फॉर स्पर्म. ओके, सो इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. ओके, इट्स क्लैस्पर प्रेजेंट इन मेल डॉगफिश. सो फर्स्टली आई विल टीच यू मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम एंड देन आफ्टर फीमेल. ओके, सो मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स यानी कि उत्सर्जन अंग उत्सर्जी अंग. एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ मेल डॉगफिश आर ए पेयर ऑफ लॉन्ग फ्लैटेंड रिबन लाइक मेजोनेफ्रिक किडनीज. दे आर अटैच टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल अबव द पेरिटोनियम टू पार्ट ऑफ इच किडनी. मीन्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ मेल डॉगफिश मेल डॉगफिश के जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं एक जोड़े लंबी होती है चपटी होती है एंड रिबन लाइक होती है. और मेजोनेफ्रिक मध्य किडनी वृक जो होती है इसके उत्सर्जी अंग होते हैं. ये जो होते हैं पेरिटोनियम के ऊपर मध्य रेखा के इधर उधर पृष्ठ उदरीय लंबी से संलग्न होते हैं. और ये जो होता है देगुआ यानी सिलोम जो होता है उसके पूरे संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं. और ये यकृत के मूल्य से लेकर पीछे जो होता है अवस्कर यानी क्लैस्पर तक फैले होते हैं. ओके, इसके दो भाग होते हैं एंट्रियर पार्ट एंड पोस्टरियर पार्ट. द एंट्रियर पार्ट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड नॉन एक्सक्रेटरी नैरोवर एंड जेनिटल फंक्शन हेंस कॉल्ड एपिडिमिस मीन्स
द एंटीरियर पार्ट जो होते हैं वो बहुत रिड्यूस्ड होते हैं, नॉन एक्सक्रेटरी, इसमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, नैरोवर होते हैं एंड जेनिटल फंक्शन इसमें होते हैं. ओके, इसीलिए इसे कॉल इपिडीमिस कहा जाता है. पोस्टीरियर पार्ट जो होते हैं, दिस पार्ट इज ग्रेटली डेवलप्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, एक्सक्रेटरी होते हैं, इसमें एक उत्सर्जन की क्रिया होती है, थिकर एंड फॉर्म्स द फंक्शनल एडल्ट किडनी की तरह कार्य करते हैं, कॉल्ड ऑपिस्थोनेफ्रस अकॉर्डिंग टू ग्राम केयर के अनुसार इन्होंने बताया है. ओके, इच किडनीज आर फॉर्म्ड बाय ग्लैंडुलर यूरिनिफेरस ट्यूबलस, मतलब प्रत्येक किडनी जो होते हैं ग्लैंडुलर यूरिनिफेरस ट्यूबलस से बने होते हैं. ऑल द कलेक्टिंग ट्यूबलस ओपन इनटू ए थिन वॉल्ड कॉमन किडनी डक्ट और यूरेटर. यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनोजेनिटल साइनस, इट सेल्फ ओपन इनटू क्लोएका. ओके, यूरेटर्स जो होते हैं यूरिनोजेनिटल साइनस में खुलते हैं, और ये जो होते हैं क्लोएका में ओपन होते हैं. तो चलिए मैं आप लोगों को पहले फिगर दिखा देती हूँ. ओके, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखिए फुल्ली फिगर पहले. ओके, तो देखिए ये जो होता है नॉन रिड्यूस्ड पार्ट होता है, नैरोवर होता है, और ये जो होता है नॉन रिड्यूस्ड होता है और नॉन एक्सरेटरी होता है, रिड्यूस्ड होता है और नॉन एक्सरेटरी होता है, और ये जो होता है एक्सरेटरी होता है, इसमें एक्सक्रेशन की क्रिया होती है. तो ये है, ये हो गया आपका किडनी, ओसोफेगस, लिवर हो गया, लिवर किडनी तो आपका ये हुआ. एपिडीमिस ऑफ एंट्रियर जेंटल पार्ट ऑफ किडनी, ये हो गया. ओके, पोस्टीरियर. चलिए मैं शुरू से दिखाती हूँ आपको. क्लेस्पर हो गया, इसी में खुलता है, ये क्लेस्पर जो होता है इसी के कारण डायमॉर्फिज्म कहा जाता है. पेल्विक फिन, ओके, इसी के मिडिल पार्ट से ये क्लेस्पर बनते हैं. लोअर क्लोएका, रेक्टल ओपनिंग, ये हो गया रेक्टम, एस्पॉम्सिक, रेक्टल ग्लैंड, ये टेस्टिस हो गए, ये हो गए एपिडर्मिस, एंड कट ऑफ बॉडी वॉल हो गया, लिवर हो गया, सेप्टम ट्रांसवर्सम हो गया, ओसोफेगस हो गया, एंट्रियर एंड ऑफ किडनी, वैस डिफरेंसिया, मेजोरियम, वैस डिफरेंस, वोल्फियन डक्ट, यूरेटर हो गया, पोस्टीरियर यूरिनरी पार्ट ऑफ किडनी, सेमिनल वेसिकल, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, ओपनिंग ऑफ सेमिनल वेसिकल, ओपनिंग ऑफ स्पर्मसिक, यूरिनोजेनिटल साइनस. ओके, जो आपने देखा अभी पढ़ा है, यूरिनोजेनिटल, पैपिला, एब्डोमिनल पोर एंड क्लेस्पर. सो फिगर ऑफ स्कोलियन मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम. अब आप लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंतर्गत यूरिनो एक्सरेट्री ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े जाते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ स्कॉल्डिन, फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फाउंड इन मेल डॉगफिश. वन पेयर टेस्टिस, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया, वन पेयर वर्स डिफरेंस, वन सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनिटल साइनस, ए पेयर ऑफ स्पर्मसिक, ए पेयर ऑफ क्लेस्पर, a pair of clasper, a pair of spermsic and urinogenital sinus. ये हुए reproductive organs of male dogfish. Male reproductive organs include a pair of very large elongated testes attached by a double fold of peritoneum, yani mesentery, called mesorhizium. Okay, their posterior ends are attached to a cloacal sickle or rectal gland. From each testis, tubular are given off vas efferentia, which run in Wolffian or mesonephric duct, now called the vas deferens. Spermatozoa developed in seminiferous tubules of the testis are carried to the
sarcos deferens, which produce a nourishing fluid for the sperm. Posteriorly, it expands into a wide, straight tube, the seminal vesicles, in which sperm are stored. The seminal vesicles open behind into the urinogenital sinus. This gives off in front the sperm sac. Accessory part of male reproductive system, the clasper and siphon claspers are present on pelvic fins of male dogfish. They serve as intromittent organs, means pervasive. In copulation, sperms enter apopile from urinogenital papilla of male and transfer to the cloaca of female during copulation. देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ वेरी लार्ज इलॉन्गेटेड टेस्टिस. ये फिगर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे आपको फिगर पे समझाना पड़ेगा. ओके, तो देखिए ये टेस्टिस हो गए, इलॉन्गेटेड टेस्टिस अटैच्ड बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये अटैच्ड होते हैं. ओके, मेसेंट्री कॉल्ड मेजोरिजियम. एंड देखिए यहाँ पे मेजोरिजियम इसे कहा जाता है, अटैच्ड होते हैं. उसके बाद देयर पोस्टीरियर एंड्स आर अटैच्ड टू ए सिकल और रेक्टल ग्लैंड. इसके पोस्टीरियर जो होते हैं रेक्टल ग्लैंड और सिकल से अटैच्ड होते हैं. ये सिकल जो होते हैं ये सिकल कहलाते हैं और ये रेक्टल ग्लैंड से अटैच्ड होते हैं. आप फिगर बना सकते हैं बहुत आसानी से. देन आफ्टर फ्रॉम इच टेस्टिस ट्यूबलस आर गिवेन ऑफ वास इफ्रेंसिया. ओके, देखिए यहाँ पे वास इफ्रेंसिया यहाँ पे है. वास इफ्रेंसिया इसे फोल्ड से बने होते हैं, खुलते जो हैं गिवेन ऑफ वास इफ्रेंसिया विच रन इन वोल्फियन मेजोनेफ्रिक डक्ट, जो वोल्फियन डक्ट में खुलते हैं. वॉस डिफरेंस कहलाते हैं. स्पर्मेटोजोआ डेवलप इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस आर कैरिड टू द सेमिनिफेरस में जो है स्पर्म जो होते हैं सेमिनिफेरस में जो स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं फर्स्टली वो डेवलप्ड होते हैं जो वॉस डिफरेंस से जाते हैं. उसके बाद जो होता है सेमिनल वेसिकल होता है और सेमिनल वेसिकल जो होता है यूरिनोजेनिटल साइनस में ओपन होता है और ये जो होता है क्लास्पर में होते हुए शुक्राणु जो होता है कॉपुलेशन के टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं स्पर्म. इस प्रकार फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है. सो फटाफट पहले अपना नोट्स बना लीजिए और आई थिंक ये वीडियो लंबा हो चुका है तो आप लोग पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे. सो मैं सोच रही हूँ उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूँगी फीमेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम का. ओके, नोट्स और लेक्चर. तो पहले फटाक से आप लोग पहले अपना नोट्स बनाइए, नहीं तो आप लोग जो भी समझे हैं अभी फिर से समझना पड़ेगा. ओके, वैसे नहीं समझ में आया तो बार बार आप लोग देख सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बता सकूं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड वाला जो वीडियो अपलोड करूंगी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आया होगा तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, एक लाइक करना ना भूलें और शेयर करें. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं व्यूवर हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाएँ ताकि आपको और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ नए अंदाज में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.